गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम लोग भारतीय संविधान से संबंधित नीति निदेशक तत्व के बारे में अध्ययन करेंगे। नीति निदेशक तत्व जो है, जैसा कि मैंने पहले भी बताया है कि अनुच्छेद 47 में उषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने के लिए लोक सहायता का प्रावधान है। यानी आप देखते होंगे कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली द्वारा जो अनाज का वितरण किया जाता है वो संविधान के अनुच्छेद 47 के तहत ही किया जाता है, ताकि लोगों का पोषण स्तर ऊंचा रहे। इसी तरह से अनुच्छेद 48 में कृषि एवं पशुपालन का संगठन है, यानी कृषि और पशुपालन से संबंधित सरकार बहुत सारी नीतियां बनाती है कि कैसे पशुओं के पालन पोषण किया जाए, उसे अर्थोपार्जन किया जाए, या फिर पशुओं के नस्ल सुधार कैसे किया जाए, या अधिक दूध वाली पशुपालकों को कैसे लाभ पहुंचाया जाए। साथ ही कृषि में नित नए नए जो परिवर्तन हो रहे हैं प्लस और भी कृषि का यंत्रीकरण कैसे बढ़ाया जाए, जिससे कि किसानों की आर्थिक स्थिति या माली हालत कैसे सुधार हो, इससे संबंधित प्रावधान जो है 48 में दिया गया। यानी कृषि और पशुपालन संबंधी नीति निदेशक तत्व में संविधान का अनुच्छेद 48 में दिया गया। कई बार पूछता भी है कि नीति निदेशक तत्व में पशुपालन और कृषि संबंधी प्रावधान किस अनुच्छेद में दिया गया है, तो अनुच्छेद 48 में दिया गया है। जबकि 48 को में एक खंड है 48 को, तो उसमें पर्यावरण के संरक्षण से संबंधित कैसे उसका संवर्धन हो, कैसे उसमें विस्तार किया जाए, इस बात को जोड़ा गया है। यानी 48 में तो कृषि और पशुपालन से है, जबकि 48 को जो है वो पर्यावरण संवर्धन से है। यानी पर्यावरण कैसे मेंटेन किया जाए, कैसे वातावरण में प्रदूषण की जो समस्या है उसमें कैसे संतुलन बनाया जाए, यानी अधिक से बाग बगीचा कैसे लगाया जाए जिससे कि हरियाली आए और हमारा जो है वातावरण का संतुलन बना रहे, ये है 48 कौम में। जबकि 48 कौम के अलावा 49 में जो है संविधान के अनुच्छेद 49 में राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण है। आप देखते होंगे कि जो राष्ट्रीय स्मारक हैं, जैसे बहुत सारे प्राचीन ऐतिहासिक धरोहर है, उसका संरक्षण करना है, उसमें अगर कोई टूट फूट है तो उसको संवर्धन करना है। इसके अलावा जो बहुत सारी राष्ट्रीय संपत्ति है, जैसे ट्रेन है, सार्वजनिक बस है, सार्वजनिक ट्रेन है, कोई भी सार्वजनिक जगह जैसे स्कूल है, स्वास्थ्य विभाग है, थाना है, पोस्ट ऑफिस है, ये सब सार्वजनिक स्थल है, और इन स्थलों को कैसे संरक्षित किया जाए, कैसे ठीक ढंग से रखा जाए, इस बात का प्रावधान जो है 49 में संविधान के अनुच्छेद 49 में दिया गया है। संविधान के अनुच्छेद 49 में क्या है, तो राष्ट्रीय संपत्ति को कैसे सुरक्षा किया जाए, यानी कैसे सुरक्षित किया जाए, ये बातें बताई गई है। जबकि और संविधान के अनुच्छेद 50 में जो है कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो प्रत्येक परीक्षा में पूछा जाता है कि कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण माने सेपरेशन, यानी उनका अलगाव किस अनुच्छेद में किया गया है, तो संविधान के अनुच्छेद 50 में किया गया है। यानी संविधान का अनुच्छेद 50 में क्या है, कार्यपालिका और न्यायपालिका। कार्यपालिका से ऐसे है कि जो विधायिका नियम बनाती है,
उसको लागू करने की जिम्मेदारी कार्यपालिका की है, और न्यायपालिका उसमें अगर नित्य प्रतिदिन अगर हस्तक्षेप करेगा तो कार्यपालिका कोई भी डेवलपमेंट का काम नहीं कर पाएगा। यद्यपि कि कार्यपालिका के जिम्मे डेवलपमेंट के सारे कार्य उसी को करने होते हैं, और इसमें कई तरह की अड़चने आती हैं। यदि वो अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जा रहा है तो न्यायपालिका वहाँ आक्षेप करेगी, लेकिन जहाँ तक संभव है वो अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत जो उसको ड्यूटी दी गई है, उसको कार्य करने की जो जिम्मेदारी दी गई है, उसके नित्य प्रतिदिन के कार्यों में न्यायपालिका हस्तक्षेप नहीं करेगी। यानी कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच जो है कार्यों का बंटवारा स्पष्ट रूप से किया गया है, यानी पृथक्करण संबंधी प्रावधान काफी माने रखता है, क्योंकि कार्यपालिका को विकास संबंधी कार्य करना है और न्यायपालिका को न्याय संबंधी कार्य करना है। तो न्यायपालिका जो है वहाँ तक देखेगी जहाँ तक किसी भी व्यक्ति का या ग्रुप का कोई हित बाधित न हो, इसलिए इसका जो है पृथक्करण आवश्यक था, और संविधान के अनुच्छेद 50 में जो है कार्यपालिका न्यायपालिका की पृथक्करण की बात कही गई। उसके बाद है 51। 51 में जो है कि कोई भी देश या कोई भी राज्य, यहाँ राज्य शासक देश ही है, राज्य एक बहुत ही बृहद कंसेप्ट है। ये राज्य जो है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए निरंतर प्रयास करेगा। हम लोगों ने देखा कि पिछले विगत वर्षों में कि दो महाविश्व युद्ध हुआ, प्रथम महायुद्ध, दूसरे महाविश्व युद्ध भी हमको देखने को मिला, और इसके दुष्परिणाम भी हमको देखने को मिले। इसका प्रभाव कितना व्यापक पड़ा, तो चूंकि मानव के कल्याण और विकास के लिए शांति और समृद्धि जरूरी है, शांति रहेगी तो तभी समृद्धि आएगी। कोई भी राष्ट्र तब तक विकास नहीं कर सकता जब तक वो अंतर्राष्ट्रीय शांति के लिए इच्छुक न हो, या फिर अंतर्राष्ट्रीय जो शांति का जो प्रयास है उसमें भी उसको पालन करना होगा। हमारे ऊपर भी कई ऐसे देश हैं जहाँ कई देशों से व्यापार होते हैं, बहुत सारी टेक्नोलॉजी हम अन्य देशों से लेते हैं या अन्य देशों को देते हैं। बिना शांति के उस देश से हमारे संबंध मधुर नहीं होंगे, तो ये लेन देन यानी आयात निर्यात का कारण बाधित रहेगा। इसलिए संविधान में प्रावधान किया गया है कि केवल हम अपने आंतरिक विकास से ही संतुष्ट न हो, आंतरिक शांति तो बनाना ही है हमको हर स्थिति में, क्योंकि संप्रभुता हमारी जनता हमें जो दी है सरकार को, उसके अंतर्गत तो कार्य करना ही है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मंचों में पर भी हमें शांति के लिए जो भी संभव होगा उसके लिए प्रयास करना चाहिए। अनावश्यक एक दूसरे देशों के खिलाफ कोई उल्टी सीधी बात नहीं करनी होगी। अगर हम कुछ कहते हैं तो हम उसके बहुत सारे सुविधाओं से वंचित हो जाते हैं, तो इसलिए राज्य प्रयास करेगा कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और समृद्धि के लिए प्रयास करेगा ताकि देश तरक्की की ओर आगे अग्रसर हो। और कोई भी देश जो है, अभी हम देखते हैं कि हमारा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान जो है वो कई मतलब सुविधाओं से, भारत के कई ऐसे सुविधाओं से वंचित है, क्योंकि उसका अंतर्राष्ट्रीय शांति का जो प्रयास है वो पूरी तरह से उसमें असफल है, क्योंकि वो भारत से 3-4 लड़ाइयाँ लड़ चुका है और चारों में उसको मुंह की खानी पड़ी है। इसके बावजूद वो भारत को अपना दुश्मन समझता है,
वहाँ के लोगों में भी नफरत की बातें अधिक दिखाई दे देखने को मिलती है। सरकार भी जो भी आती है वो नफरत के ही आधार पर वहाँ सरकारों का गठन होता है, और कई ऐसे सुविधाओं से पाकिस्तान वंचित रह जाता है और भारत उसको उस तरह की सुविधाएं नहीं दे पाता है, क्योंकि वो अंतर्राष्ट्रीय शांति के मानक प्रयास को एक पालन नहीं करता है। भारत चाह कर भी पाकिस्तान जैसे देशों को जो सहायता मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिल पाती है। आज भी पाकिस्तान में 50 साल पीछे वे लोग अभी भी दिखाई दे रहे हैं। कारण क्या है कि लोग और सरकार दोनों जो है विकास को पीछे रखे हुए हैं और धर्म को आगे रखे हुए हैं, क्योंकि बिना विकास के हम धर्म को आगे अगर करेंगे तो निश्चित रूप से हम लोग पीछे हो जाएंगे। यानी धर्म विकास पहले और धर्म पीछे होना चाहिए। धर्म तो व्यक्ति के जिन में है, उसके आचरण में है, तो धर्म तो कहीं जाता नहीं है। और कोई भी धर्म जो है हमें आपस में एकता की बात बताता है, लेकिन धरातल स्तर पर उस एकता की बात को विरुद्ध अगर हम कार्य करते हैं, आपसी सौहार्द को खत्म करते हैं, तो कई ऐसे विचारों से, कई ऐसे वस्तुओं से, कई ऐसे टेक्नोलॉजी से हम वंचित रह जाते हैं। और यह संविधान हमारा भारत का यह कहता है कि चाहे कोई भी, वैसे भारत की संस्कृति जो है वो वसुधैव कुटुंबकम कुटुंबकम की है, और हमारा ये अनुच्छेद बिल्कुल उसी से संबंधित है। जो सीधे सीधे तो नहीं कहता है, लेकिन इसका मतलब ही अनुच्छेद 51 का भी यही है कि हम पूरे विश्व को अपना कुटुंब मानते माने, और यही हमारी संस्कृति जो है वो हमारे कहीं ना कहीं इस अनुच्छेद में भी दिखाई दे रही है। और 51 अनुच्छेद काफी प्रासंगिक अनुच्छेद है जो हमारी सभ्यता और संस्कृति को इसमें लिए हुए है, जो सीधे सीधे नहीं कहता है लेकिन प्रत्यक्ष रूप से इसका इशारा उसी तरफ है। और भारत इस नीति पर चलकर हमने कई ऐसे गुटबाजी, पूंजीवाद और साम्यवाद में से दोनों को नहीं अपनाया। दोनों गुटों से हमें सहयोग और सहयोग की जरूरत भी थी। उस दौरान भी हम लोगों ने बड़े फूंक फूंक कर इन दोनों देशों से संपर्क बनाए रखा और किसी गुट में शामिल नहीं हुए। और भारत एक गुट निरपेक्ष देश के ग्रुप में शामिल हुआ कि वो किसी गुट में शामिल नहीं होगा, लेकिन सभी के साथ वो समान रूप से सहयोग और उससे कुछ सहयोग देकर अपना सहयोग लेना चाहता है, इस नीति की ओर अग्रसर हुआ। और ये नीति काफी हमारे लिए फायदेमंद भी रही, और आगे इसी नीति के तहत हम विश्व के किसी भी देश के किसी भी भावनाओं को हम लोग ठेस नहीं पहुंचाते हैं, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे रूस हो, या दुनिया का कोई भी शक्तिशाली या गरीब देश हो। हम सभी के साथ हमेशा सहयोग की भावना रखते हैं, उनसे कुछ अपेक्षाएं भी रखते हैं, और उन अपेक्षा के साथ साथ हम अन्य अपने पड़ोसी देशों के साथ भी निरंतर हम प्रयासरत रहते हैं कि हमारे पड़ोसी किसी अन्य देशों की तरफ जो भी उनकी आवश्यकताएं हैं उसको भारत पूरी करने में सक्षम है। यदि वे दिल खोलकर भारत के साथ संबंध रखते हैं तो भारत उनकी हर तरह की मदद करता है। हम लोगों ने देखा कि चीन के सहयोग से पाकिस्तान और श्रीलंका में आर्थिक हालत कितनी खराब हो गई है। अब यह बात वहां के जनता को श्रीलंका में तो समझ में आ गई, लेकिन पाकिस्तान आज भी जो है भारत
से सहयोग न लेकर अन्य किसी पड़ोसी देशों से सहयोग लेता है तो कई दिन जाल में वो फंसता हुआ दिख रहा है। और आज वह महंगाई चरम पर है जो कभी भारत वहाँ पाकिस्तान में नहीं थी। इसका कारण क्या है कि भारत को अपना विरोधी समझना और ऐसे देशों के साथ हाथ मिलाना जो पहले से ही गड़बड़ है और ये जानते हुए भी उनसे दोस्ती करते हैं, जिसका खामियाजा इन दोनों देशों को भुगतना पड़ रहा है और इसका खास प्रभाव वहाँ के आम जनता पर पड़ता है। भारत आज भारत की जो जनसंख्या है तो किसी भी राष्ट्र के लिए एक बहुत बड़ी समस्या है। इसके बावजूद भी दोनों पक्ष आम जनता को खाने पीने की चीज़ों से लेकर अन्य सुविधाओं से भारत सरकार के प्रयास, निरंतर प्रयास से आम लोगों के जीवन में जो चंद खुशहाली दिख रही है, ये तभी दिखाई दे रही है जब यहाँ के लोग शांति और सुकून से रहते हैं और भाईचारे का संदेश देते हुए एक दूसरे के साथ कॉपरेशन करते हैं। सरकार के उन पर अटूट विश्वास है, न्यायपालिका पर अटूट विश्वास है और हमारी संस्कृति वसुधैव कुटुंबकम की है। इसको समझते हुए अनुच्छेद 51 कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और समृद्धि को बढ़ाते रहना है, यह प्रयास भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 में दिया गया है। इस तरह से हम लोगों ने देखा कि नीति निर्देशक तत्व की कुछ मोटी मोटी बातें हैं। हम लोग एक बार देख लेते हैं कि 39 में जो है अनुच्छेद 39 में जो है समान न्याय के लिए निःशुल्क विधिक सहायता है, नैनवों के लिए रखने की व्यवस्था प्लस समान कार्य के लिए समान वेतन। 39 में जो है सार्वजनिक धन का स्वामित्व से संबंधित है कि सरकार जो भी सार्वजनिक धन है उसको ही उसका नियमन और नियंत्रण करेगी। 39 ग में है जो सार्वजनिक धन है उसका समुचित यानी समान वितरण करेगी। समान वितरण से आशा यह है कि कोशिश होगी कि किसी एक व्यक्ति के हाथ में कोई भी धन का संकेंद्रण न हो, एकाधिकार न हो, जो भी सार्वजनिक धन होगा उसको इस तरह से बंटवारा करेगी कि सभी लोगों का विकास हो। और 39 ग में धन का समान वितरण, 39 ख में सार्वजनिक धन का स्वामित्व नियंत्रण, 39 क में निःशुल्क विधिक सहायता यानी वकील की सहायता और प्लस समान कार्य के लिए समान वेतन। 40 में ग्राम पंचायतों का गठन है, संविधान के अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों का गठन है जिसको 73वां और 74वां 73वां संशोधन द्वारा ग्राम पंचायत और 74वां संशोधन द्वारा नगर पंचायत का गठन कर दिया गया है। इसके बाद 41 में काम और शिक्षा के लिए लोक सहायता पाने का, आप देखते हैं सरकार बहुत सारे जीविका के माध्यम से या फिर पढ़ने वाले बच्चों के लिए स्टूडेंट कार्ड या फिर जो बेरोजगार है उनको बेरोजगारी भत्ता देकर। 42 में है महिलाओं को प्रसूति लाभ के लिए बहुत सारी वित्तीय सहायता सरकार देती है। 43 में है कर्मकारों के लिए भी प्रोत्साहन संबंधी बहुत सारी विश्वकर्मा योजना आप लोगों ने देखा होगा या पहले भी चलता था, तो उनको किस तरह से मतलब स्वरोजगार के लिए सक्षम बनाया जा सके। इसके बाद 44 में जो है समान सिविल संहिता की बात की गई है जो अभी तक पूरी तरह से भारत में लागू नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कई बार केंद्र सरकार को इस संबंध में कानून बनाने की हिदायतें दे दी गई है ताकि धर्म आरे न आए और व्यक्ति को एक व्यक्ति की तरह ही ट्रीट किया जाए ना कि उसके धर्म को लेकर। आज भी भारत में अल्पसंख्यक समुदाय के लिए अलग कानून है, खासकर तलाक संबंधी विवाह संबंधी जहाँ शरिया कानून लागू है, पर्सनल मुस्लिम लॉ बोर्ड उसका नियमन नियंत्रण करता है, जबकि हिंदुओं के लिए हिंदू विवाह अधिनियम बनाया जा चुका है जो मुस्लिमों पर लागू नहीं होता। तो
से कानून इस प्रकार बनाया जाए, कानून इस प्रकार बनाया जाए कि सभी लोग, अगर एक महिला है तो पूरे महिला को एक माना जाए और उस पर वही नियम लागू हो जो सारे महिलाओं पर लागू होते हैं। ऐसे कानून को समान सेवा संहिता के नाम से है, हम लोग जानते हैं 46 में है, एससी एसटी के लोगों को प्रोत्साहित किया जाए ताकि समाज के मुख्यधारा में आए और कई ऐसे सुविधाओं को लाभ लेकर आगे बढ़े। सरकार उनके लिए अलग से एक आयोग भी बनाती है और उनके संरक्षण करती है, वित्तीय सहायता प्रदान करती है। 47 में है कि पोषाहार की व्यवस्था करें जिससे कि लोगों का जीवन स्तर ऊंचा हो सके। आप लोगों ने देखा होगा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से बहुत सारी योजनाएं जैसे चावल, गेहूं, दाल, तेलहन इत्यादि जो भी संभव है सरकार उसको वितरित करती है ताकि लोगों को अन्न के लिए भूखे न रहना पड़े। और 48 में कृषि और पशुपालन से संबंधित है, 48 को पर्यावरण को मेंटेन करने से संबंधित, उसका संवर्धन और विकास से संबंधित है। और 49 में राष्ट्रीय महत्व के जो स्मारक है उसको संरक्षण से संबंधित है। और 50 में जो है कार्यपालिका और न्यायपालिका का किस तरह से अलग पृथक्करण किया जाए इसका प्रावधान किया गया है संविधान के अनुच्छेद 50 में। और 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि सरकारें करेंगी, इसके लिए भी प्रावधान स्पष्ट हमारे संविधान में लिख दिया गया है। इस तरह से हम लोगों ने देखा कि नीति निर्देशक तत्व तो जो है वो काफी प्रासंगिक है, जबकि 350 को में माध्यमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा दिया जाए। कई ऐसे राज्य सरकारें जो है या इसके लिए प्रयासरत है, खासकर गैर हिंदी भाषी में तो प्राथमिक स्तर तक की शिक्षा उनकी मातृभाषा में ही दी जा रही है और हिंदी भाषी में उनको हिंदी में दी जा रही है जो जहाँ का मातृभाषा है। और 351 में हिंदी को प्रोत्साहन देना है, 351 में हिंदी को प्रोत्साहन देने के लिए बात कही गई है। 350 कम में माध्यमिक स्तर पर बच्चों को प्राथमिक शिक्षा उनकी मातृभाषा में ही दी जाए। इस तरह हम लोगों ने नीति निर्देशक तत्व को देखा जो काफी महत्वपूर्ण है और इसे प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। धन्यवाद।